हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो में। इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैं आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी शेयर करूंगा बैंक निफ्टी में। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो भी मेरी एनालिसिस या व्यू होता है इस YouTube वीडियो में, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं होती है। अगर आप उस व्यू के बेसिस पे कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं और उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी दूर दूर तक नहीं है। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस करूँगा मैं इसमें, और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए और भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली बेसिस पे जो बैंक निफ्टी की लेवल एनालिसिस है, लगभग नीचे जो सपोर्ट है 19,575, 19,575 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो टूटेगा तो फिर हम अच्छा खासा 18,000 के लेवल तक भी टच कर सकते हैं। उसके लिए जो मंडे का ट्रेडिंग में है, मंडे का ट्रेडिंग में जो सपोर्ट है 20,700 के आसपास, 20,700 का लेवल टूटेगा तो हम एक अच्छा खासा नीचे 20,000 और 19,900 तक भी जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये पूरी पूरी ये लेवल निकल के आया है। ऊपर रेजिस्टेंस जो निकल के आया है 22,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 22,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये बात हो गई पूरे वीक की और मंडे के लिए। मंडे का मतलब कि फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो होगा हमारा आने वाला वीक का, वो एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल होगा, और 20,900 के नीचे की क्लोजिंग पूरे हफ्ते के लिए, और ट्यूसडे भी उसके नीचे ट्रेड हो जाता है, सस्टेन कर जाता है 21,000 के नीचे, तो फिर हम नीचे के लेवल को टच करने की कोशिश करेंगे जो वीकेंड पे दिख रहा है। T4 T5 पूरे वीक के लिए टारगेट निकल गया है, और मंडे के लिए जो टारगेट 4 है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, टूटेगा तो 19,900 तक जा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो निफ्टी ने 50 डीमा को छू लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं छुआ है। बैंक निफ्टी का जो 50 डीमा आया है 23,344, और इसने अभी रिसेंट हाई जो लगाए हैं इस हफ्ते का, वो लगभग 21,967, 21,21,967 एक इम्पोर्टेंट। तो आने वाले टाइम में जैसे मैंने कल निफ्टी के एनालिसिस किया था कि नीचे से एक बाउंस आएगा फिर हम जाके टॉप आउट करेंगे, तो इसने टच नहीं किया, बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया है, तो दोबारा से जब पैटर्न बनने वाला होगा तो बैंक निफ्टी भी 22,000 के आसपास, जब इसकी मूविंग एवरेज 22,000 के आसपास आ जाती है और बैंक निफ्टी इस लेवल को टच कर लेगा दोबारा से 21,967 के आसपास, ये पैटर्न पूरे हो जाएंगे डबल टॉप बना करके, और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैकेज या जिस कारण से भी हो, ये 22,000 के लेवल तक आके शिफ्ट हो जाएगा अगले 15-10 दिनों के अंदर में, और फिर हम इसको भी छू लेंगे। तो ये दोनों इंडेक्स जो हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, 50 DMA को टच करने के बाद फिर से ट्रेंड रिवर्सल, फाइनली ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो इस व्यू पे ये एक एडवांस प्रेडिक्शन एज फॉर टेक्निकली मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है, जो कि कल मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था उसी को ये प्रूफ कर रहा है कि एक दोबारा इसको किस करेगा, इस लेवल को 23,442 जो 50 DMA का लेवल आज के डेट में है, यहां तक इसको जाने में तकलीफ है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टरों में ही है, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं इस लेवल को छूना नहीं था, तो इस कारण से बाजार को नीचे आकर के दोबारा से टाइम थोड़ा सा कंजम करेगा, तब तक बैंक निफ्टी का जो 50 DMA है 21,400 से ये खिसक करके नीचे की तरफ आ जाएगा, लगभग जो हाई बना है उसी से 200-250 पॉइंट ऊपर या नीचे, फिर नीचे जो हम 19,000 की बातें कर रहे हैं, 18,500 की बातें कर रहे हैं वीकली बेसिस पर अगर आ जाए, तो दोबारा से एक बाउंस जो आएगा वो इसको टच करने की कोशिश करेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस के बेस पे स्टडी करूँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ दूर दूर तक कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू नहीं है। मार्केट को लेकर के मैं निगेटिव ही हूँ, जो प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया है। तो इस तरीके के एनालिसिस जानने के लिए, समझने के लिए
जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाय।